हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों, हर एक सेंटेंस में हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये एक्टिव या पैसिव वॉइस में से कौन सा है। जैसे कि ए पोएम वॉज रिटन बाय हिम, तो यहाँ पर रिटन वर्ब है और ये पैसिव सेंटेंस है। दूसरा, शी इज पेंटिंग ए वॉल में, पेंटिंग अंडरलाइन वर्ब है और ये एक्टिव वॉइस है। द रेस वॉज विन बाय अभी, इसमें विन वर्ब है और ये पैसिव सेंटेंस है। रोहित परचेज्ड ए बाइक, परचेज्ड अंडरलाइन करेंगे और ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। सम गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, इस एक्सपेक्टेड को अंडरलाइन करेंगे और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो बच्चों, वॉइस जो होती है वर्ब की वो फॉर्म होती है जो हमें बताती है कि जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है एक्शन को, वो या सब्जेक्ट समथिंग इज बीइंग डन टू इट, मतलब क्या काम किया गया है, पहले वो आ रहा है या पहले काम करने वाला आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वॉइस डिसाइड करते हैं। तो अब आप इन पिक्चर को देखिए। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में द चीफ गेस्ट वॉज गेव द मेडल टू वरुण, और दूसरे पिक्चर में वरुण वॉज गिवन द मेडल बाय द चीफ गेस्ट। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है लेकिन उनकी वॉइस अलग अलग है। तो काइंड्स ऑफ वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बच्चों वो होती है जिसमें कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता है, वो काम करता है वर्ब के लिए। तो जैसे कि हु गेव द ट्रॉफी, इस एग्जाम्पल में चीफ गेस्ट गेव द मेडल, तो चीफ गेस्ट जो है वो सब्जेक्ट है और वो ही काम करने वाले हैं, तो इसको हम एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। पैसिव वॉइस क्या होती है, जैसे हम दूसरे सेंटेंस को देखें कि किस चीज के ऊपर काम किया गया। तो जैसे वरुण वॉज गिवन द मेडल, वरुण को मेडल दिया गया, तो जो डूअर है वो बाद में आता है, बाय द चीफ गेस्ट, किसके द्वारा दिया गया, बाय द चीफ गेस्ट। तो इस तरह के सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। वरुण जो है वो इट इज नॉट गिविंग द मेडल, वरुण मेडल नहीं दे रहा है लेकिन वो सेंटेंस में पहले आया है, तो इस तरह से वो पैसिव वॉइस हो गया। द कैप्टन कॉल्ड द प्लेयर्स, ये एक्टिव हो गया, और इसी को अगर हमें पैसिव वॉइस में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है यानी प्लेयर्स है वो पहले आ जाएंगे। द प्लेयर्स वर कॉल्ड बाय द कैप्टन, ये पैसिव वॉइस हो गया। ही इज पेंटिंग ए पोर्ट्रेट, इज एक्टिव, और इसमें जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ए पोर्ट्रेट इज बीइंग पेंटेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो बच्चों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स को हमें अपने माइंड में रखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट की पोजिशन और वर्ब जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का, उसको इंटरचेंज किया जाता है, और एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है उसमें पैसिव वॉइस में जो वर्ब है उसको वो बनाया जाता है। जैसे पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट से पहले, और जो नंबर ऑफ वर्ब जो होते हैं वो नंबर सब्जेक्ट की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इसको समझने के लिए टेंस, अलग अलग टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं, हम इस टेबल को पढ़ते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है एक्टिव वॉइस में, शी पेंट्स ए पोर्ट्रेट, तो इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को तो हम कैसे बनाएंगे, ए पोर्ट्रेट को हम सबसे पहले रखेंगे, इज पेंटेड, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो उसमें इज आर एम यूज करेंगे, इज, और पेंट का पेंटेड हो जाएगा, पेंटेड बाय लिखेंगे और फिर शी का हर हो जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ए पोर्ट्रेट इज पेंटेड बाय हर। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है इसमें इज बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जैसे ए पोर्ट्रेट इज बीइंग पेंटेड बाय हर। और प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो इसमें हैज बीन पेंटेड लगा देंगे, और सिंपल पास्ट में वॉज लिख के वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे ए पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड बाय हर। तो इस तरह से आपने देखा एक एग्जांपल को हमने अलग अलग टेंस में किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करा। अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आई एन जी लगाएंगे, बींग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ए वॉल वॉज बींग पेंटेड बाय हर। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैज बीन पेंटेड बाय हर, विल बी पेंटेड, फ्यूचर में क्या होता है बी एड कर देते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन। इस तरह से हम अलग अलग टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज करते हैं, उसमें क्या होता है सब्जेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है, जैसे टेक इट ऑफिस तो लेट इट बी टेकन ऑफिस, डू इट राइट नाउ लेट इज बी डन राइट नाउ, ओपन द विंडो
लेट द विंडो बी ओपेंड, डू नॉट कोल्ड द कॉफी, लेट नॉट कोल्ड द फूड। इस तरह से एक्टिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उनमें से एक पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, बाकी जो हिस्सा बचता है वो ऑब्जेक्ट रह जाता है पैसिव वॉइस में। जैसे कि माई फादर गेव मी ए साइकिल, ये एक्टिव वॉइस हो गया। और अगर हम इसको लिखें आई वॉज गिवेन ए साइकिल बाई माई फादर, ये पैसिव वॉइस। इसी तरह ए साइकिल वॉज गिवेन टू मी बाई माई फादर, ये भी पैसिव वॉइस हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से एक्टिव में पैसिव में चेंज करते हैं वो देखते हैं। डिड सुमन इनवाइट यू, तो डिड जो है वो पास्ट टेंस है, तो हम क्या लिखेंगे वर यू, यू पहले आएगा तो यू के साथ वर लिखेंगे, वर यू इनवाइटेड बाई सुमन। इसी तरह डू द चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स को, चॉकलेट्स क्योंकि प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे आर चॉकलेट्स लाइक्ड बाई द चिल्ड्रन। हैव यू फिनिश्ड द वर्क, तो हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाई यू। इसी तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं पैसिव को हम एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे द वर्क विल बी फिनिश्ड बाई द प्लम्बर इन ए वीक, तो द प्लम्बर विल फिनिश द वर्क इन ए वीक। बाई हुम वॉज दिस मेजर टास्क अकम्प्लिश्ड, तो हम क्या लिखेंगे बाई हुम का हु अकम्प्लिश्ड दिस मेजर टास्क। Someone has asked me to attend this meeting. अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी में हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। तो पहला स्नेहा प्लेज विद द चिल्ड्रन, ये एक्टिव वॉइस है। ए रेस इज बींग रन बाय हर, ये पैसिव वॉइस। रोशन टीचेस में इंग्लिश, एक्टिव वॉइस। द पीपल इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट, ये एक्टिव वॉइस। एंड द पुलिस कॉट द थीफ, ये भी एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिन्हें हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस ओपन द डोर फॉर योर फादर को हम क्या लिखेंगे, लेट द डोर बी ओपन फॉर योर फादर। सेकेंड नितिन केयर्स फॉर स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स आर केयर्ड बाई नितिन। वट हैव यू डन, वट हैव बीन डन बाई यू। फोर्थ में आई वेट फॉर योर आंसर, योर आंसर इज वेटेड बाई मी। राइड द बाइक स्लोली, लेट द बाइक बी रिडन स्लोली। इस तरह से हम इनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे लवली सॉन्ग्स आर संग बाय लता, तो हम क्या लिखेंगे लता सिंग्स लवली सॉन्ग्स। दूसरा राइस वॉज नॉट ग्रोन बाय अस, तो वी डिड नॉट ग्रो राइस। वॉट इज वॉन्टेड बाई यू, वट यू वॉन्ट। अ रेस विल बी रन बाय देम, तो दे विल रन ए रेस। ए हाउस इज बींग बिल्ड बाई टॉम, तो टॉम इज बिल्डिंग ए हाउस। इस तरह से हम इन एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।